अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी एक्स बाइक की राइड दूंगा और यामाहा R6 के जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और बड़ी मज़े की वीडियो बनेगी, यूनिक सी वीडियो बनेगी और जो जो इसमें चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आएँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो बॉयज। अच्छा तो बॉयज़, जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख के आएँ, उसमें जो जो बाइक पे चीज़ें लगी हुई हैं वो मैंने बताई हैं और इस बाइक की थोड़ी हिस्ट्री भी बताई है। तो अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो इधर आई बटन पे क्लिक करें, वो वीडियो प्ले हो जाएगी। तो देख के आएँ, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। दिस इज़ माई एक्स बाइक यामाहा R6, जिसको मैं H2R किलर भी कहता था। तो अब मैं इसकी एक राइड लेने लगा हूँ और आप लोगों को भी राइड देते हैं ऑब्वियसली। सबसे पहले आपको इसकी साउंड सुना देते हैं जी, बिस्मिल्लाह। ये है जी यामाहा R6 की आवाज, कोल्ड स्टार्ट विद SC प्रोजेक्ट स्लिप ऑन, माशाल्लाह। जो पहली बाइक होती है ना हर बंदे की, वो उसकी जगह कोई और बाइक ले ही नहीं सकती। पहली बाइक के साथ जो आपकी मेमोरीज़ जुड़ जाती हैं वो नहीं आती दोबारा किसी और बाइक के साथ। खैर, तो इसको अभी कोल्ड स्टार्ट होने देते हैं, थोड़ी सी गर्म होती है, फिर चलते हैं, एक छोटी सी राइड देते हैं और आपको बताते हैं यामाहा R6 के बारे में। A few inches later. अच्छा तो बॉयज, बैक टू यामाहा R6। यार क्या फीलिंग है यार, अपनी पहली बाइक चलाने का जो मज़ा है ना, और कुछ भी जो हो जाए, आपकी कोई और बाइक जो है ना, बेशक H2R मिल ले आपको, पहली बाइक की जो चेस है ना वो पहली बाइक ही कराती है। आवाज़ सुने ज़रा, आप लोगों को तो ये नॉर्मल आवाज़ लग रही होगी लेकिन मुझे बड़ी पसंद है यार ये आवाज़। क्रॉस कर लो यार। खैर तो चेस आ गई भाई, थोड़ी सी चलाई है बाइक अभी ये, और बाइक पे बेतहाशा इन्होंने, जो न्यू ऑनर है उन्होंने मॉडिफिकेशंस करवा छोड़ी हैं। खाली पैच मिल जाए थोड़ी सी भगा के भी दिखाएं आप लोगों को। खैर मुझे हमेशा बड़े क्वेश्चंस आते हैं कि भाई यामाहा R6 कैसी बाइक है, अच्छी है बुरी है, प्रोज एंड कॉन्स लेनी चाहिए कि नहीं, तो वो भी मैं सम अप कर देता हूँ इस वीडियो में, आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले जो है आप ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लेंगे, कोई भी बाइक है, बेशक सुजुकी जिक्सर है, कावासाकी है, यामाहा है, कोई भी बाइक है, वो जो जिन जिन कंपनियों ने बनाई है ना उन्होंने अपना फुल पोटेंशियल यूज़ करके बनाई है, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। बड़े बड़े इंजीनियर्स हायर किए उन्होंने, बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हायर करके फिर उन्होंने अपने एंड प्रोडक्ट दिए। तो हर बाइक जो है ना अपनी लीग में परफेक्ट है, इस चीज़ को आप सबसे पहले समझें। एक तो क्विक शिफ्टर की आदत जो है ना मुझे लग चुकी है, तो थोड़ा गियर शिफ्टिंग में मसला आ रहा है। यार ये घर बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत बड़ा घर है। खैर तो क्या बता रहा था मैं, हाँ R6 के बारे में बता रहा था। तो
R6 जो है वो कैसी बाइक है, इसमें क्या मसले मसाइल हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहली सबसे अच्छी चीज़ जो है R6 की है वो ये है कि इसकी लुक्स बड़ी अच्छी हैं। हर बंदे को, ये बिगनर को ये बाइक अट्रैक्ट करती है। दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ है इसमें, इसकी रीसेल है, मतलब आपने ख़रीद ली R6 आपको लॉस नहीं होगा, उतने में ही बिक जाएगी या उससे ज़्यादा में बिकेगी। 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि ये बाइक जो है ये तेज़ है जिक्सर 600 से, परफॉर्मेंस में बड़ी अच्छी बाइक है, इनिशियल्स में भी तेज़ है, परफॉर्मेंस में ज़रा सी आप कह लें बेहतर है जिक्सर से। ये होगी अच्छी बातें इस बाइक की। और नेगेटिव बातें ये हैं कि यार इसका जो राइडिंग पोस्चर है, पोजीशन है, वो बड़ी अग्रेसिव है, बंदा थक जाता है थोड़ी सी बाइक चला कर। तो इसकी जो राइडिंग पोस्चर है इट इज़ नॉट कम्फर्टेबल एट ऑल। कंपेयर किया जाए सुजुकी जिक्सर से तो उसका पोजीशन सबसे अच्छी है राइडिंग की। एससी प्रोजेक्ट की आवाज़ सुनो यार, ओहो मज़े आ गए। अच्छा, एक नेगेटिव पॉइंट हो गया सिटिंग पोस्चर का। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है जी हीटिंग का, वो मुझे नेगेटिव नहीं लगता लेकिन लोग समझते हैं तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। वो ये है कि इसकी जो फेयरिंग है ना, ये यहाँ से ओपन है तो इंजन की हीट आपकी थाइज़ को टच करती है, इतनी भी नहीं है कि अनबेरेबल हो लेकिन करती है टच, तो ये एक और नेगेटिव पॉइंट आ गया इसका। उसके अलावा मेंटेनेंस वगैरह, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, वो इन सब बाइक्स की बराबर है 600 सीसी जो बाइक्स हैं। तो अब जिक्सर की बात करें तो जिक्सर अपनी जगह पे परफेक्ट बाइक है। यहाँ से मोड़ लें यार, आगे का पता नहीं यू टर्न कहाँ मिलता है जाके। जिक्सर जो है वो अपनी जगह परफेक्ट बाइक है, कम्फर्टेबल ठंडी बाइक है वो। इसी तरह कावासाकी अपनी जगह परफेक्ट बाइक है, वो भी कंफर्टेबल है लेकिन रीसेल में उसको मसला है थोड़ा सा। 636 का पावर में वो R6 और जिक्सर दोनों से तेज़ है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन एट द एंड करना आपने वो है जो आपका दिल कहे। अगर आपका दिल कहता है कावासाकी लेनी है तो चुप करके कावासाकी ले। अगर आपका दिल कहता है कि जिक्सर लेना है तो चुप करके जिक्सर ले। अगर आपका दिल कहता है कि जी R6 लेनी है तो R6 ले। एट द एंड इट इज़ इंटायरली अप टू यू। आपने बाइक लेनी है, आपने एंजॉय करनी है, तो जौन सी चीज़ आपको पसंद आ रही है ना, आप वही लें। और उसके अलावा रहा कि जी मेरी क्या प्रेफरेंस है, मैं किस बाइक को रेकमेंड करता हूँ, तो मैं रेकमेंड करता हूँ वो बाइक जो आपको पसंद हो सबसे पहली बात। उसके अलावा अगर फिर भी आप मुझसे पूछें कि यार 3 बाइक्स खड़ी हैं कौन सी मैं लूँगा, कावासाकी, R6 और जिक्सर में से, तो मैं कावासाकी लूँगा। क्यों? क्योंकि वो बाइक तेज़ है, एक तो उसमें सेफ्टी फीचर्स थोड़े से ज़्यादा हैं, वो अलग बात है कि महंगी है थोड़ी सी और रीसेल कम है, लेकिन सेफ्टी वाइज अच्छी है, सेफ्टी फीचर्स वाइज। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरे माइंड में, मैंने कहा आप लोगों से बातें भी कर लेते हैं, अपनी पुरानी एक्स बाइक को भी ज़रा राइड करके मज़ा ले लेते हैं और आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बाइक माशाल्लाह फुल पावर में है, देखने में तो आप लोगों ने देख ही लिया है क्या क्या लगा हुआ। मैकेनिकली भी जो इनके ऑनर है न्यू, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त रखी हुई है यार। देखने में आप लोग कहेंगे कि ओवर हो गई है, काफ़ी चीज़ें इन्होंने एक्स्ट्रा लगाई हुई हैं इसमें, लेकिन मैकेनिकली जो है ना इट इज़ परफेक्ट। मैनूवरिंग चेक करो यार, मज़ा आ रहा है भाई। Ha ha ha.
छोटा सा फेरा और लगा के आते हैं। अभी असल में ना लोगों में अफरा तफरी का निज़ाम पाया जा रहा है इस टाइम, क्योंकि इफ्तारी होने वाली है, अभी आधा पौना घंटा पड़ा है, लोग फुल तेज़ हुए हैं। होती है ना उसकी जगह कोई और बाइक ले ही नहीं सकती, जो मर्जी हो जाए। इस टाइम मुझे इतना मज़ा आया ना ये बाइक चला के, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। अब आहिस्ता आहिस्ता क्रूजिंग करते हुए चलते हैं वापस और देखते हैं गाड़ी वॉश हो गई होगी कि नहीं मेरी अभी तक। बेसिकली मैं गाड़ी वॉश करवाने आया था, मैं कहा अपना GoPro ले जाते हैं। पता नहीं क्या और काम किया है मैकेनिकली, आई थिंक बाइक बहुत स्मूथ चल रही है। मज़ा आ रहा है बाइक चलाने का। आवाज़ सुनिए फिर ऐसी प्रोजेक्ट की। दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर बटन, और नहीं पसंद आई तो खली वली। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।